गाइस वेलकम बैक आपका एक और लिलीविल की ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो भाई आज हमारा बिल्कुल एक स्पेशल वीडियो है भाई, जिसमें तुम्हें पता होगा जैसे स्ट्रीम पे अनाउंसमेंट की गई थी कि भाई एक बहुत तगड़ा टूर्नामेंट आ चुका है भाई, जिसमें जो सबसे तगड़ा अपना शेयर बिल्ड करेगा ना वो जीत जाएगा। तो भाई उसके लिए मैंने अपने लिए देखो बहुत प्लान सोच रखे हैं, तो मैं तुम्हें आगे जाके वीडियो में बताऊंगा प्लान्स क्या क्या होने वाले हैं। वो वीडियो के अंदर जाने से पहले तुम भाई चैनल को सब्सक्राइब करके भाई इस वीडियो को लाइक कर लो। मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो पे एम करते 30,000 लाइक्स के लिए। शायद अभी तक किसी वीडियो पे हुई नहीं, किसी पुरानी वीडियो पे होंगे, मेरे को एक्चुअली याद नहीं है, बट 30,000 इज द माइलस्टोन भाई, इसको क्रॉस करते हैं आज। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद आती है वीडियो तो भाई प्लीज लाइक करना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी फॉलो कर लो। और भाई डिस्कॉर्ड का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो यार, कम्युनिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो भाई आज सीधा वीडियो के अंदर। तो गाइस एक काम करते हैं फटाफट से, तो पहले सो के अपना करते हैं दिन, और भाई मेरे को बहुत सारी चीजें अपने अंदर सीक्रेट बेस से भी लेके आनी है, तो भाई फटाफट से इसको करते हैं बंद। और यार रुको, मेरे को क्या करना था, हाँ मेरे पास वाटर बकेट नहीं ना, पहले मेरे को वाटर बकेट बनानी है, तो सबसे पहले वाटर बकेट बना। और मैं तुमने गाइस प्लान के बारे में बता दूँ, देखो मैंने सोचा कि मैं एक थीम पे काम करूँगा, वो थीम होने वाली है भाई टेरर की थीम, समझ रहे हो, मतलब टेरर इन द सेंस कि डरावनी, हॉन्टेड, स्केरी, मतलब ये जो मिलजुला के चीज़ें आती है ना इसके अंदर, मैं उस पूरा काम करने वाला हूँ भाई अपनी इस वीडियो के अंदर। तो भाई ये देख रहे हो यार, ये सारे फ्लीट भाई ने जो डायमंड्स वापस दिए थे वो हैं भाई, इसमें से मेरे को कम भी लग रहे हैं डायमंड्स, 7 तो मेरे ब्लॉक थे, 26 और ओ माय गॉड भाई डायमंड कम है। कोई बात नहीं, करते हैं इसका भी कुछ। देखो हेलमेट की मेरे को जरूरत है नहीं, तो हेलमेट में फिलहाल ये वाला ले लेता हूँ, चेस्ट प्लेट भी मैं ये वाला ले लेता हूँ। अभी फिलहाल डायमंड का यार जो एक जूते मेरे ख्याल में टूट रखे, उन्हें मेंडिंग लगानी थी, बट वो मेंडिंग का तो मैं एज यूजुअल तुम्हें पता वो हो नहीं पाया, कोई बात नहीं करते हैं उसका भी कुछ। बट उससे पहले भाई हमको क्या क्या चाहिए, मेरा सामान ये हो गया ना पूरा, मेरा आर्मर हो गया, मैंने आर्मर पहन लिया यार, उसमें फेदर फॉलिंग लगी हुई है, अगर मैं बाई चांस गिर गया तो नहीं यार छोड़ो, जूते नहीं पहन लिया, ये और बना लूँ क्या जूते, हाँ यार जूते और बना ही देता हूँ, एक काम करते हैं। देखो मेरे डायमंड्स का ये रहे, क्राफ्टिंग टेबल, जूते बनाएंगे, मैं जूते कैसे बनते थे भूल गया था मैं, तो फटाफट से मैंने डायमंड्स वगैरह तो ले लिया, सारा सामान ले लिया। और गाइस ये देखो जो मैंने अभी रिसेंट बनाया अपना TNT एक्सप्लोजन रूम भाई, इसके अंदर ही मेरे TNT की जो ऑब्सेशन हो रखी है ना, उसका लिए मैंने अपने लिए वो बनाया कि हाँ भाई जब भी मेरे को मन करे मेरे प्यारे प्यारे TNT देखने का, तो मैं पे TNT देख सकूँ। ये देख रहे तुम कितने TNT मैंने स्टैक कर रखे हैं, और भाई इतना मज़ा आने वाला है ना भाई, जब कोई मेरे से पंगा तो ले, वैसे मैं उड़ाऊंगा नहीं किसी को यार, बट मैंने TNT अपने लिए ऐसे स्टैक कर रखे हैं। वो भाई मेरे पास फूड भी नहीं है यार, फूड चाहिए मेरे को यार। तो मैं गाइस तुमसे बात कर रहा था ना कि यार देखो तुम्हें लग रहा होगा भाई, एक सेकंड रुको इसको पहले बेड लगा दूं मैं, तो गाइस तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो सब कुछ क्या चल रहा है लिलीविल में, मैं तुम्हें बताता हूँ हो क्या रहा है भाई। देखो चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, फ्लीट भाई अगर सही थे अपनी जगह पे तो उनको सबको मार के जाना चाहिए था, बताना जरा भाई सही तो हम सुनते ना भाई, पहली बात तो देखो सुनते भी क्या ही, साफ साफ दिख ही रहा था भाई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा भाई, अपने काम काज के लिए ये सब करा गया है, मेरे को तो पता ही है क्या सीन है क्या नहीं है भाई, ये जो हुआ भाई बहुत गलत हुआ, लेकिन लेकिन अब तुम्हें पता है अब हम क्या करने वाले हैं आगे, क्योंकि भाई देखो वहाँ तक ठीक है भाई, ठीक था जहाँ तक चोरी हुई थी, अपनी सजा काटते और अपना भाई अपना जो फाइन था वो पे करके यू आर फ्री सिटीजन ठीक है, बट जो उन्होंने हाथ उठा दिया ना भाई, ये गलत हो गया भाई यार, ये तो देखो चीज़ ही गलत है, बोला हाथ नहीं उठाना चाहिए था, अगर हम प्यार से बात कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे कि हाँ भाई हम बस इतना कह रहे थे ना कि भाई तुम ये करो, एक काम करो भाई अपना फाइन पे करो, और भाई अपना फटाफट से वो क्या नाम है, और मैं सारा सामान दे दो, अपना फाइन पे करो और कहानी खत्म भाई, और जेल में जाओ, थोड़े दिन जेल की सजा मिलती, जैक जितनी भी सजा सुनाता जेल की मिलती, कहानी खत्म। बट उन्होंने हाथ गलत उठाया भाई, तो वो भी लीडर के आगे, देखो कोई भी किसी भी सबके आगे, तुमने आज तक किसी को हाथ उठाते नहीं देखा भाई, जो बंदा गलत होता है ना वो ही हाथ उठाता है भाई, मैंने तो जितना देखा है, लेकिन अब देखते हैं भाई कुछ तो करेंगे यार, उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा यार पुलिस वाले, हम एक बार फटाफट से खाना स्मेल्ट हो जाए फिर मिलता हूँ तुमसे मैं। चलो गाइस हमारा फूड तो हो चुका कलेक्ट भाई, फटाफट से काम करते हैं, हमारा वाटर बकेट भी हो रखी है तैयार, इसमें से पानी उठा लूँ जरा, खराब तो नहीं होने ना, तो भाई फटाफट से काम करते हैं, पानी वानी मैंने सब कुछ उठा लिया है, तो भाई अब फटाफट से अपनी जगह पे चलते हैं जहाँ पे हमको अपना बिल्ड बनाना है। तो यार उसके लिए पहले सो लेते हैं यार, रुको मेरा घर कहीं रहा, पहले सो लेते हैं, सो गया ना दिन कर लेते हैं भाई, क्योंकि यार देखो ना यार रात में कौन जाए हैं, रात में क्यों जाना मैं। और भाई तुम मेरे को अपने कमेंट सेक्शन बताना ये वाले, तुम्हें क्या लगता है भाई लिलीविल में चल क्या रहा है, तुम्हारी उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि भाई तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझने में देखो आता है बहुत मजा, क्योंकि भाई देखो जनता को तुमसे ज्यादा ही पता है ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा भाई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है तुम लोग ज्यादा बुद्धिमान हो। ठीक है तो भाई चलो काम करते हैं, फटाफट से चलते हैं अपनी जगह पे, जब तक तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू डालो भाई कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई ये क्या हो सकता है भाई, आखिरकार चल क्या रहा है लिलीविल के अंदर,
गाइस अपनी जगह पे तो पहुंच चुके हैं भाई, तो फटाफट से मैं दिखाता हूँ मेरे को जगह कितनी अलॉट हुई है। तो तुम ये देख सकते हो, ये जो प्लेन्स का एरिया है, ये वाला एरिया, इसके अंदर मेरे को 200x200 की जगह अलॉट हुई है। तो भाई उसके लिए सबसे पहले मेरे को करना क्या पड़ेगा मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले तो शीप्स मारनी पड़ेगी और यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक बेड, क्योंकि मैं बेड लेके नहीं आया अपने साथ। ठीक है, तो भाई 200x200 का मेरे को एरिया अलॉट हुआ है ये पूरा। ठीक है, तो भाई इसको पहले मेरे को करना पड़ेगा प्लेन, या मैं प्लेन करूं या ना करूं, चलो जो भी है मेरे को प्लेन तो करना पड़ेगा। और आज के लिए मेरे पास, मैं तुम्हें प्लान बताता हूं मेरा प्लान क्या है। तो भाई आज सीधा पेंट की शीट पे, गाइस मान लो मेरे पास जैसे 200x200 का ब्लॉक है, रुको मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, ये रहा हमारा डब्बा। तो भाई ये देखो, मान लो मेरे पास 200 ये रेक्टेंगल की बन गया, लेकिन भाई थोड़ी पेंटिंग खराब है तुम्हारे भाई की, तो माफ करना। ठीक है, तो भाई ये है मेरे 200x200 का एरिया। और ये देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ सीन क्या होने वाला है। ये देखो, यहाँ से हमारी होगी जैसे एंट्री, तो यहाँ पे होगा एक बहुत बड़ा सा खतरनाक सा गेट। वो गेट हम अभी बनाएंगे, ठीक है, वो गेट हम अभी बनाएंगे। और ये देखो, जो अपना 200x200 का एंड होगा ना, उसमें होगा हमारा प्रॉपर कासल, समझ रहे हो, जहाँ पे भाई उस कासल के अंदर होगा एक हॉन्टेड प्लेस, समझ रहे हो। कुछ भी हो सकता है उस कासल के अंदर, वो मैं बनाऊंगा, तो मैं वो बताऊंगा मैं कैसे बनेगा इस एपिसोड में, कैसे नहीं बनेगा, पूरा भाई अपने वर्ल्ड को बनाना चालू करते हैं। और ये देखो, यहाँ पे थोड़े बहुत गेस्ट हाउसेज होंगे, समझ रहे हो, और फार्म्स होंगे, फूड फार्म होगा यहाँ पे एक छोटा सा, जैसे अपना वो वाला लिलीविल के अंदर फार्म है ना, एक छोटा सा फूड फार्म भी बनाएंगे अपना, कि जो भी आप तो अपना नॉर्मली रह सके। और मेन चीज, ये जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया, ये होने वाला फॉरबिडन फॉरेस्ट। ये जो इतना एरिया है ना, ये सारा ये होने वाला भाई फॉरबिडन फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि भाई इसको हम स्पूकी, इतनी तगड़ी वाइब देने वाला हूं मैं स्पूकी की, कि ये कंपटीशन मैं ही जीतू भाई। जो भी बोले ना कि भाई रोनी भाई ने जीत लिया कंपटीशन, भाई इतना तगड़ा बनाया उन्होंने। ठीक है, तो इस फॉरबिडन फॉरेस्ट के अंदर होने वाला पार्कोर, समझ रहे हो, कि इस फॉरबिडन फॉरेस्ट को पार करने के लिए तुम्हें इतना खतरनाक पार्कोर होगा ना, कि तुम्हारा एक पैर स्लिप हुआ एंड यू आर डेड ऑन द स्पॉट, यू आर डेड। ठीक है भाई, इस पूरे प्लान को मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ दो पार्ट्स में, एक ये वाला पार्ट और एक इसके बाद जो पार्ट आएगा वो। भाई बहुत मजा आने वाला है, जो गेम की तरफ चलते हैं। तो गाइस फटाफट से काम कर लेते हैं अपना ना, बेड बना लेते हैं। तो भाई यार रात हो चुकी है, अंधेरा भी अंदर सब हो रहा है, तो भाई को थोड़ी वुड भी चाहिए होगी। भाई फटाफट से काम करते हैं, बेड बनाते हैं, गेम के अंदर तो हम आ चुके हैं ब्लू प्रिंट से। और भाई मैं तुम्हें बताऊँ, रुको एक सेकंड रुको, पहले बनाते हैं बेड, उसके लिए हमें चाहिए वाला क्राफ्टिंग टेबल। ठीक है, अब ये क्या, अब ये डायमंड का कंट्रोल, कोई बात नहीं, रुको हमें बेड बनाने के लिए, हमारा बेड रेडी है, इस पर सो जाते हैं। तो गाइज हम ब्लू प्रिंट से अंदर तो आ चुके हैं, फटाफट से अपना बेड बनाते हैं और अपने गेट बनाना चालू करते हैं, जो मेन हमारा स्कल वाला खतरनाक सा गेट होने वाला है ना भाई, बनाना चालू करते हैं। और भाई मेरे को यही है, कोई देख ना ले यार, कोई मेरे आइडियाज वगैरह देख ना ले, कि कोई कॉपी वॉपी ना कर ले, समझ रहे हो, क्योंकि भाई देव पे मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है, कैसल पे भी नहीं है, कैसल तो भाई निकम्मा। ठीक है भाई, मेरे को लग रहा कोई ना कोई तो आएगा, तो यहाँ पे मेरा बेस वेस तो चेक करेगा, मेरे कोऑर्डिनेट्स तो किसके पास है नहीं, बट कोई भूले भटके ही ना आ जाए यार, कोऑर्डिनेट्स तो किसी के पास नहीं है भाई, सिर्फ जैक को पता है, जैक ऐसी हरकत करेगा नहीं क्योंकि वो लीडर है। और तू मकड़ी भग, मकड़ी भग। ठीक है, तो गाइस एक काम करते हैं, फटाफट से ना गेट बनाना चालू करते हैं। तो गेट बनाने के लिए हमें चाहिए रहेगा सामान बहुत सारा, तो मैं सामान इकट्ठा करता हूँ। हमें क्या चाहिए मैं तुम्हें बता दूँ, देखो हमें चाहिए 20 से कुछ ऑब्सीडियन चाहिए। रोनी भैया कहाँ हो, नाम लिया और आ गया, ये नाम लिया आ गया, मैं तो काम कर रहा हूं, अब क्या बोलेगा ये, मैं तो काम कर, भाई इसको मैंने बोल तो दिया काम कर, इसको पता ना चल जाए कि मैं यहाँ पे हूँ भाई, अपना बेस वेस बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है भाई जिंदगी में। तो भाई हमें चाहिए सामान फटाफट, भाई ऑब्सीडियन चाहिए हमें कुछ 20 एक, और हमें चाहिए कुछ ब्लॉक्स, मतलब प्यारे प्यारे ब्लॉक। मैं सोच रहा हूँ व्हाइट कॉन्क्रीट यूज करता हूँ, कि व्हाइट कॉन्क्रीट अपने पास बहुत सारा है, मैं भी हेल्प करता हूँ, बताओ कहाँ आना। अरे अरे नहीं नहीं कहीं, अबे क्या लिख रहा हूँ मैं, कहीं नहीं आना, चिल कर भाई यार, इसको पता ना चल जाए, इसको मेरे को लग रहा है इसको शक पड़ गया भाई मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। वो ये भी तो काम कर रहा होगा, इसको मैं बोलूँ, मैं आता हूँ, क्या कर रहा है बता। अगर इसने मना करा तो मतलब भाई ये भी लगा हुआ है, कुछ ना कुछ हरकतें कर रहा है ये भी, भाई अपने बेस पे काम कर रहा है ये। एक बार ये लिखे तो सही कहाँ पे है, मैं जाता हूँ इसके बेस पे रेड मार के आता हूँ भाई, हम तो है ही नीच। थोड़ा सामान जमा करने आया था, कहाँ है, मैं भी आता हूँ। देखो गाइज, रूल नंबर 1, अगर तुम्हें कोई दबाने की कोशिश करे तो तुम पे तो तुम उसको एग्रेशन में ले जाओ, मतलब ऐसे नहीं तो तुम प्रहार करो, ऑफेंसिव चले जाओ,
अरे मैं तो बहुत गहरी केव, ये देख रहे बहाने चालू हो गए, मेरे को पता है सारे अपने बेस पे काम कर रहे हैं भाई, भी देव नहीं होना, देव भी कर रहा होता है भाई। ये जितने चतुर बनते हैं ना अपने आप को, इनको पता नहीं है भाई। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक बार लिलीविल के अंदर वापसी चलते हैं, मैं सामान लेके आता हूँ, थोड़ा सा इकट्ठा करो यार सामान अपना, भाई फिर मैं तुमसे मिलता हूँ जस्ट गेट बनाने के लिए 2 मिनट के अंदर। तो गाइस मैं सारा सामान लेके अपना आ चुका हूँ, बट एक दिक्कत होगी यार, मेरे को ब्लैक कंक्रीट नहीं मिला यार, तो ब्लैक कंक्रीट के लिए कुछ स्कीम लगानी पड़ेगी, तो क्योंकि ब्लैक कंक्रीट में देखो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, स्क्विड स्क्विड मारो सब कुछ करो, और भाई इतना टाइम तो देखो मैं कहीं खोटी करूँ, मेरे पास एक बंदा है जो मेरे को सामान दे सकता है, लेकिन मसला ये है कि वो क्या करेगा अपना काम। स्लैश डब्ल्यू कासल कोई सर्वर में तो है ना, मेन मैसेज ही कर देता हूँ। ओए कैसल एक मिनट को, पहले इसको वो करते हैं, एक ट्रेड है करेगा, देखते हैं भाई क्या बोलता है। मेरा आइडिया इसको 4 डायमंड के बदले में ऐसे 4 स्टैक ब्लैक कंक्रीट ले लूं। कैसी ट्रेड, मेरे को ब्लैक कंक्रीट चाहिए, देगा 4 डायमंड्स के बदले। अरे देखो मैं बोला बदले में मुझे क्या मिलेगा, ये रिसोर्स मिनिस्टर है, इससे मैं फ्री में भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर दया दिखा रहा हूँ, समझ रहे हो, 4 डायमंड्स के बदले। अभी हाँ बोल दे, बस हाँ बोल दे, हाँ बोल दे, 8 डायमंड लेंगे। मूड हो गया, मूड हो गया, 8 बारी साले रिसोर्स मिनिस्टर है तू, करूं तेरी कंप्लेंट है, करूं लिखेगा भी ये भाई शीट यार, ये तो पर्सनल काम वाले में चला गया, तो उसके पैसे लगते हैं ना। अरे एक काम करते हैं, 4 अभी ले ले, 4 डिलीवरी के बाद। तो गाइस इसको मैंने बोल दिया भाई अब लिलीविल चलते हैं सीधा, और भाई इससे अपने ब्लैक कंक्रीट लेके आते हैं, ठीक है डील डन हो गया भाई काम। चलो अब इससे फटाफट से अपने कंक्रीट लेके आते हैं और भाई अपनी जिंदगी में अपना गेट बनाना चालू करते हैं, ठीक है तुम भी यही बोलते हो। चलो लिलीविल तो मैं पहुंच चुका हूं भाई अपने प्यारे से शहर के अंदर। अबे साउथ लॉक का गेट तब से खुला ही पड़ा है, करो बंद भाई। और भाई कैसल, हां बोलो भैया कहां हो, मैं तो साउथ लॉक वाले गेट पे हूं, तू कहां है। अरे आ जाओ बीच में वो कंक्रीट वाला मशीन है ना वहां पे आ जाओ। चला आ रहा हूं, और एक मेरे को बात बता सुन। हां बताओ बताओ। तूने फ्लीट भाई को देखा है? नहीं मैंने देखा तो नहीं, मैं कब से ये सब सामान जमा कर रहा था, मुझे कहीं पे दिखे तो नहीं वो। कहीं नहीं दिखे तुझे? नहीं कहीं पे आस पड़ोस के गांव में भी मैं जाके आया, वहां भाई पूछ के आया, कहीं पे नहीं दिखे मेरे को। अच्छा चल दियो मेरा कंक्रीट दियो भाई मेरे को। हां पहले 4 डायमंड निकालो, एडवांस निकालो, फिर देता हूं। 1 2 3 4 ये ले साले, बहुत महंगी डील हो रही है 4 डायमंड के बदले, जो तू मेरे को पागल बना रहा है ना। अरे आपके 4 स्टैक ब्लैक कंक्रीट, पूरे 4 ही बनाए, एक ऊपर नीचे नहीं, सही है। तो आप 10 डायमंड, आप 9 डायमंड देते, ये बताओ भैया भाग कहाँ रहे हो, बाकी के 4 डायमंड तो दे दो। हाँ हाँ ले लियो, 4 डायमंड के भाग थोड़ा रहे हैं। अरे लाओ यार दे दे यार, तेरे को तो लिलीविल की कंडीशन पता है भाई, सारे डायमंड चोरी हो गए थे भाई, तो डायमंड की कंडीशन तो वो रखी है ना इस टाइम। अरे तो ऐसे डील थोड़ी ना तोड़ के जाता है कोई, मैं डील थोड़ी तोड़ रहा हूँ। अच्छा ये ले रुक जा, ये ले तब तक के लिए 6 मिट्टी रख ले। ये डायमंड मेरे पास 1 स्टैक है, मेरे को 1 स्टैक डायमंड मिलेंगे इससे है। हाँ मेरे पे 1 स्टैक मिट्टी है, 1 स्टैक डायमंड मिल जाएंगे उससे। क्या चाहिए? अरे मार क्यों रहे हो, हाँ मार क्यों रहे हो, क्या चाहिए? अच्छा डराएगा तो मेरे को। अरे कुछ नहीं, अरे ऐसे क्यों रहे हो, डराने की बात नहीं, पर डील मत। 1 2 3 4 ले। हाँ बढ़िया है, डील फाइनल होगी ना अपनी। हाँ हो गई हो गई। अरे एक सेकंड, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर बोल। लो आपके लिए, आपने अच्छे से पेमेंट किए, पकड़ो थोड़ा बहुत पकड़ो। एहसान कर दिया ना तूने मेरे पे। हाँ मतलब कर दिया है, ठीक चल है। मैं जा रहा हूँ, ठीक है फिर कैसल। हाँ मिलते हैं मिलते हैं, मैं अपना काम करने ही जा रहा हूँ वैसे। हाँ, मैं भी अपना काम करने जा रहा
अपना पार्ट टू को, और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी। तो गाइस तुम फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो, सब कुछ कर लो यार, सब कुछ कर लो, दोस्तों को भी शेयर कर दो। मैं तो कहता हूँ तुम्हें पसंद तो आ रही है शायद ये वीडियो, या नहीं आ रही पता नहीं, आ रही है तुम्हें, आ रही है तुम भाई हो मेरे, ठीक है। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।